एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बिल्ड किया जा सकता है लिंक्डइन पे। तो आई गेस अब हम मूव कर जाते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ग्राउंड हमने सेट कर लिया है उसके लिए ऑलरेडी। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, लिंक्डइन भी आपको एक ऑप्शन देता है कि आप रेज्यूमे जो है वो अपना बिल्डअप कर सकते हैं। सो जब आप मी के सेक्शन पे जाएं तो वही बातें, चीजें एक्सप्लोर करें तो आपको मिल जाती हैं। तो आप रेज्यूमे बिल्डअप का एक ऑप्शन आपको मिलती है, तो उस पर आप क्लिक करें तो बिल्कुल आपको वो एक रेज्यूमे बना देता है। इस पर मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड की है अपने चैनल पर कि हम किन तरीकों से रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन जॉब सर्चिंग के हवाले से। कि पहली बात तो ये कि आप जब सेटिंग्स में जाते हैं प्राइवेसी में, तो जॉब सीकिंग प्रेफरेंसेस पे जाएं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलती है कि जहाँ पर आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। फिर सेकेंडली फीचर्ड का सेक्शन है, फीचर्ड के सेक्शन में मीडिया के ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, देखें वहाँ पर अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। थर्डली जो है एक ऑप्शन है जॉब्स की, जॉब का एक सेक्शन है, जॉब्स पर जब क्लिक करते हैं और उस पर इजी अप्लाई की ऑप्शन आपको मिलती है, तो वहाँ पर आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी हामिद के स्टूडेंट्स जो हैं आजकल, इवन प्रोफेशनल्स भी, वो 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 300 पर अपना रेज्यूमे बनवा रहे होते हैं। तो देखिए, आप अगर एक दिन खुद मेहनत कर लेंगे, अच्छा रेज्यूमे बना लेंगे, तो इसमें आप ही का फायदा है। तो ऐसे जो बिल्कुल ग्राफिकल ऐसा। रिप्रेजेंटेशन रेज्यूमे जिसमें आपकी अपना बता ही नहीं सकते, आपकी अचीवमेंट या आपकी सक्सेस या आपका एक अपना, आप उस जो कहते हैं ना, वो प्रोजेक्शन ही नहीं हो रही, तो उस रेज्यूमे का फायदा नहीं है। कोशिश करें कि आप बिल्कुल रेज्यूमे अपना खुद बनाएं, कोई टेम्पलेट डाउनलोड करें और रेज्यूमे खुद भी, जैसे मैं बता रही हूँ कि लिंक्डइन खुद भी रेज्यूमे की ऑप्शन देता है। क्योंकि देखिए ना, एक रेज्यूमे तो एक स्टैटिक फॉर्म में है, एक ब्रोशर टाइप का है, लेकिन जो लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है, आप देखें कि उसमें आपकी, आपका कंटेंट है, आपकी वीडियोस हैं, आपका उसमें अचीवमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एंडोर्समेंट हैं, स्किल्स हैं, समरी है, प्रोफाइल है, हेडलाइन है, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक्डइन आपको एक के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती हैं। सो वहाँ से आप अपना रेज्यूमे जो है वो बिल्डअप करें। और मैंने ये भी बता दिया कि किन तरीक़ों से, देर आर 3 प्लेसेस जहाँ पर आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। मसला ये है हामिद बेहतरीन जी। कि चीज़ें बहुत सी हैं और इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं इतना ही डिटेल से सब चीज़ों को बताऊं। सिर्फ मैं ये जी एक जी बात ज़रूर उसके कहना लिए चाहूँगी कि एक्सप्लोर जी करें, जी जरूर मतलब बिल्कुल आप ये नहीं कि आप सुन लिए इसके बाद नहीं, एक्सप्लोर द मतलब थिंग्स और उसे इम्प्लीमेंट भी करें।